हेलो, आई एम बिमल फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा एकेडमी आगरा रोड मैनपुरी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लासेस 9th, 10th, 11th एंड 12th। एंड दिस पोर्शन बिलोंग्स टू योर पोएट्री सेक्शन एंड इट कैरीज वन मार्क्स इन द एग्जाम। ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच मीन्स वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक अवर लैंग्वेज ब्यूटिफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव नॉन एज फिगर्स ऑफ स्पीच। हिंदी में हम कह सकते हैं जब किसी स्टेटमेंट को सिंपल ना कहकर उसे थोड़ा सा डेकोरेट करके जब कहा जाता है तो वह अलंकार बन जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि वह मोटा है, अगर इसी स्टेटमेंट को हम दूसरी लैंग्वेज बोलें कि वह हाथी जितना मोटा है तो ये एक अलंकार बन जाएगा। ओके, नाउ आवर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिंगली। हियर सिंगली मींस टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड विद कंपैरिजन वर्ड्स। जब दो अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाता है कंपैरिजन वर्ड्स के साथ में तो वहां पर सिंगली होता है। Here companion words जैसे कि like, as, so, etc. यहाँ पर like का मतलब है के समान, की तरह। For example, life is like a dream. जीवन तो एक सपने के समान है। Here life is compared with dream. So here is simile. She is as sportive. Next example, she is as sportive as the fawn. वह है उतनी ही चंचल है जितना कि हिरन का बच्चा। यहाँ पर सी को हिरन के बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, टू थिंग्स ऑफ द सेम टाइप इज नॉट पॉसिबल सिंपली। अगर कहीं दो चीजें एक जैसी हैं तो वह सिंपली नहीं हो सकता है। ओके, सिंपली के लिए दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इज मेटाफर। टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट कंपैरिजन वर्ड्स। एक्चुअली मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। दिस इज व्हाई मेटाफर इज आल्सो कॉल्ड एन इम्प्लाइड सिंपली। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन तो एक सपना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है जीवन को एक सपने से, लाइफ को एक ड्रीम से। ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, ये पूरी जो दुनिया है वो एक रंगमंच है। यहाँ पर रंगमंच के समान नहीं है, अगर समान कहेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा। ओके, एंड वन थिंग इज टू बी नोटेड, ऑल द सिंपलीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटाफर। दिस इज व्हाई metaphor is also known as an implied simile. Okay, have any doubt? No doubt. Third figures of speech is personification. This is very easy. Personification, Hindi mein manvikaran. A non-living is personified. Kisi bhi nirjeev ko hum manvikrit karte hain, manush ki tarah dikhate hain. A non-living thing is presented as a human being, as a living. For example, love is blind. Here love is personified and presented as a human being which has eyes. Love को किसी इंसान की तरह यहाँ पर दिखाया गया है जिसकी आंखें हैं और वो अंधा हो गया है। तो यहाँ पर love जो है वो personified हो रहा है। The flowers smile, जो flowers हैं, जो फूल है वो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा कौन सकता है? कोई मनुष्य, कोई मानव। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स है वो पर्सोनिफाइड हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, द मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल ली, अपने चेहरे को ढक लिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मून इज प्रेजेंटेड एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जो चंद्रमा है वो एक मनुष्य की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, अवर नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इज ऑनोमेटोपोया।
This is also very simple figures of speech. Onomatopoeia in Hindi, ध्वनि सूचक अलंकार. In this poetic device, a sound is produced by an object. किसी भी object के द्वारा कोई भी sound produce होती है. For example, snakes are hissing and bees are buzzing. Here, hissing sound is produced by the snakes and buzzing sound is produced by the bees. Next example, dogs are barking. कुत्ते भौंक रहे हैं. Here, barking sound is produced by the dogs. So this is onomatopoeia. Okay. Next, hyperbole. I am sure no one is unknown about this poetic device, hyperbole. Hyperbole means अतिशयोक्ति. इसमें किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है. A thing is presented greater or lesser. किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है. For example, rivers of blood flowed in the battle. युद्ध में खून की नदियां बह गईं. क्या ऐसा हो सकता है भाई? खून की नदियां तो नहीं बह सकती हैं. Next example, he drank the whole sea. वह पूरा समुद्र पी गया. क्या कोई पी सकता है? नहीं पी सकता है. इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. जैसे he is dying of shame. वह शर्म से मर गया. तो शर्म से कोई भी मर नहीं सकता है. तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टंग ट्विस्टर. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर और साउंड. इसमें क्या होता है? कोई भी जो लेटर होता है और कोई साउंड जो होती है वो रिपीट होती है बार बार. फॉर एग्जाम्पल, सी सीज, सीप स्लीपिंग. हियर एस लेटर इज रिपीटेड. एस 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 एस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कमल कुब्ड कप केक्स इन द किचन. Always remember one thing, students. This is the repetition of same letter or sound. Here, in this example, sound is repeated. Kamal cooked cupcakes in the kitchen. Ka 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 ka. Not here repeated the same letter. Here repeated the same sound. This is alliteration. Ever a doubt? Alliteration is the repetition of same letter or sound at the beginning of two or more than two in the sentence. Next is very important. Irony. Irony is a type of sarcasm. Satire. ये एक तरह का व्यंग है. एक व्यंग मारा जाता है. व्यंग भरी दुनिया है. लोग बहुत व्यंग मारते हैं, टॉन्ट करते हैं, कमेंट्स मारते हैं. डिफाइन करते हैं इसको. वन थिंग इज सेड. इसमें क्या है? कोई एक बात बोली जाती है एंड अपोजिट इज मीन्ड और उसका मतलब अपोजिट होता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ नाइस टू रिफ्यूज टू हेल्प मी. कितना अच्छा हुआ तुमने मेरी मदद करने से मना कर दिया. तो अच्छा कैसे हो सकता है? अगर कोई आपकी हेल्प करने से मना करते तो अच्छा नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर 20 बॉयज है. तो ये एग्जाम्पल देखते हैं. द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड. पुलिस स्टेशन जो है वो लूट गया. वो लूट लिया गया. क्या ऐसा हो सकता है? तो एक टॉइंट है, एक व्यंग है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कॉबलर्स चिल्ड्रन हैव नो शूज. मोची के बच्चे के पास जूते नहीं है. कैसा हो सकता है? ये भी क्या है? व्यंग है. ओके, नेक्स्ट एट, एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और एन आइडिया. एपोस्ट्रोफी इज नथिंग बट एन एड्रेस. ये एक संबोधन है. इसमें किसी को पुकारा जाता है. लेकिन जिसको पुकारा जाता है या तो वो डेड होना चाहिए या वो एब्सेंट होना चाहिए या कोई भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं. ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट.
अरे जूलियस सीजर, तुम तो अब भी ताकतवर हो, तुम तो अब भी शक्तिशाली हो। ये जूलियस सीजर एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का। तो जब जूलियस सीजर मर जाता है तो उसके जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं उसके मरने के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, अरे मौत अरे मृत्यु तुम्हारा ये स्टिंग कहाँ है, तुम्हारा डंक कहाँ है, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ डंक मार जाते हो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ को पुकारा जा रहा है और यहाँ पर जूलियस सीजर को पुकारा जा रहा है। इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, और भी हो सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल इसके ढेर सारे। ओ विक्ट्री वेयर इज दाई चार्म, ओके आई थिंक ये आ गया होगा सब। नेक्स्ट एग्जांपल पैराडॉक्स, पैराडॉक्स एक तरीके का विरोधाभास है और एक एब्सर्ड वे में एक बेहुदा ढंग से एक बात इसमें बोली जाती है। डिफाइन करते हैं, वन थिंग इज अपोजिट टू अनदर इन अ स्ट्रेंज वे। तो इसमें कोई भी एक चीज जो होती है वो एक स्ट्रेंज वे में अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल, आई नो वन थिंग, मैं एक चीज जानता हूं, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। तो एक एब्सर्ड वे होता है, एक बेहुदा ढंग से एक बात इसमें बोली जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी डिड नथिंग, हमने कुछ नहीं किया, एंड बी इट वेरी वेल, और जो हमने कुछ नहीं किया उसको हमने बहुत अच्छे से किया। ओके तो एक तरीके का विरोधाभास है और पहचानने के लिए आप रख सकते हैं एब्सर्ड वे में एक स्टेटमेंट को बोला जाता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज ऑक्सीमोरन, व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट इन अ सेंटेंस टुगेदर, जब दो अपोजिट वर्ड को एक साथ एक ही सेंटेंस में रखा जाता है तो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। फॉर एग्जांपल, ही इज एन ऑनेस्ट थीफ, वो एक ईमानदार चोर है। तो ईमानदार चोर नहीं हो सकता और चोर ईमानदार नहीं हो सकता है, तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो कैसे हैं, अपोजिट है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल इज, सी इज द वाइजेस्ट फूल, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान मूर्ख है। तो यहाँ पर जो वाइजेस्ट वर्ड है वो अपोजिट है फूल के, और फूल जो वर्ड है वो अपोजिट है वाइजेस्ट का। तो हियर टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट इन अ सेंटेंस टुगेदर, सो गाइस हियर इज द ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य है। तो रहस्य कभी खुला नहीं हो सकता, तो हियर टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट इन अ सेंटेंस टुगेदर, दिस इज ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एंटीथीसिस, इट इज एक्चुअली अ सेइंग, ये कहावत होती है, एक बहुत किसी महापुरुष की कहावतें हैं। डेफिनेशन, वन आइडिया और स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्ट्स अनदर इन अ क्लॉज, इसमें कोई भी एक आइडिया और कोई भी एक स्टेटमेंट वो कंट्राडिक्ट करता है एक क्लॉज के अंदर रहकर। फॉर एग्जांपल, सिल्वर इज सॉरी स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, अगर स्पीच सिल्वर है ठीक है तो साइलेंस क्या है, गोल्ड है। तो एक कहावत हो गई, ठीक है। यहां पर जो फर्स्ट क्लॉज है वो सेकंड को कंट्राडिक्ट कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल इज, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, गलती तो इंसान से होती है और देवता क्या करते हैं, उसको माफ कर देते हैं। तो दिस इज एंटीथीसिस। ओके गाइस, आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।